जबा में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि आंधी तूफान में बिजली के तार टूटकर जमीन पर गिर गए थे, जिनको बिजली विभाग ने ठीक नहीं कराया और करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। रीवा में जवा के बड़ाच में कुछ दिन पूर्व आई आंधी में टूटकर गिरे पोल और तारों को बिजली विभाग ने ठीक नहीं कराया। जमीन पर पड़े बिजली के तारों में करंट आ गया और उसकी चपेट में आने से अजय नामक युवक की मौत हो गई। दो दिन पहले आई आंधी में 11 केवी की लाइन टूटकर खेतों में गिर गई थी, जिसकी सूचना विद्युत विभाग को दी गई थी, लेकिन विद्युत विभाग ने इसको ठीक करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अजय अपने परिवार में इकलौता था और उसकी 3 बच्चियां हैं। बिजली विभाग की लापरवाही ने अजय के परिवार को संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। ये घटना घटी, 11,000 लाइट फाल्ट रही। लाइट में जो है तो लड़का तीघा गुरुआ भाई से खेद है, तो वो लाइट 11,000 नीचे ऊपर के ऊपर गिर गए, ऊपर वहीं में लाट टपके, अब लड़का खत्म हो गया, बर गया एकदम पूरा। ये परमिट लाइट परमिट में थी और वहाँ उनको मतलब सूचना दिया गया कि यहाँ पे तार टूटा है और बोले कि लाइट परमिट में है, और फिर वहाँ पे हम गया वो और वहाँ से फिर वो लाइट में फंस गया। हम लोग तो सब यहीं पे थे, काम के दौड़ के गए, तब तक वो मतलब तार भी गिरा था। सूचना दी गई किसी को? हाँ, सूचना तत्काल फोन में बातें हो रही थी, लाइट गिरी रही है और सूचना दिया तो फोन में बातें हो रही थी। ये 11 के भी रामबाग फीडर में इनकी कोई समस्या थी, तो इन्हें ऑपरेटर रामबाग अरुण मिश्रा से लाइन को बंद कराया, बोले लाइन बंद कर दीजिए, हमारे यहाँ फॉल्ट है। उसने लाइन बंद किया और ये माने काम कर रहा था लड़का, इनके बिना कहे हुए उसने लाइन चालू कर दिया और लाइन चालू हुई, उसी में करंट लगा और ये एक्सपायर हो गया। वाला संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।